ये है वो कीड़ा, इसको हमने घेरे में ले लिया आपने। अब मॉर्निंग माता जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। और ये मैडम जी यहाँ पर जो है आज गैस की सफाई कर रहे हैं चूल्हे की। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मस्त मस्त धूप आई हुई है, सुबह हल्के हल्के बादल थे, अभी भी बादल थोड़े थोड़े हैं सामने वाली पहाड़ी पे। और ये हमारा प्यारा सा गांव, मौसम आज साफ है और धूप भी आ गई है गांव में। स्कूल में देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी है, अभी गांव में भी आ जाएगी धूप। और ये देखिए बंदरों के आतंक के कारण जो है मडुआ भी तोड़ने लग गया। चाचा लोग, चाचा चाची वहीं पर ही हैं। और ये देखिए धूप के साथ हल्के हल्के बादल भी हैं। यहाँ पर जो है मैडम जी नाश्ता कर रहे हैं। ये गुप्ती जो है सुबह से ही बैठा हुआ है और हमारे यहाँ पर बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैंने ले ली इसकी फोटो। तो दोस्तों ये मैडम ने कर लिया साफ फिर चूल्हे को, चमाचम बना दिया आज तो इसने, आज फुल सफाई की इसने पानी से। और दिन खाली पोछा मारते थे, आज जो है पूरी सफाई कर रखी है साइज ने। मैं तो अभी उठ रहा हूँ, अरे माता जी भी लगे पड़े हैं ये। और ये धूप में सुखाने के लिए रख दिया है यहाँ पे, जब धूप आएगी ये सूख जाएगा यहाँ पे, फिर रखेंगे इसको अंदर, नहीं तो जंग लग जाएगा इस पे। और ये गिनी बैठे हैं यहाँ पर तार में, देखो ये अभी बहुत जा रहे थे, अभी कम हो गए। दोस्तों मुझे जाना है अब रोड की ओर, क्योंकि गांव में भी बहुत पानी की समस्या है। तो सुबह कॉल आया था पानी लगवाने आ करके, तो आज संडे है और मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग भी कर लें और चले जाएं हम अब पानी लगाने के लिए। फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में, तब तक आप मेरे ब्लॉग पर इंजॉय करिए। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे, और देखिए यहाँ सुनसानी है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखता हूँ वे लोग कहाँ गए। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गधेरे पे और चलता हूँ मैं आगे। देखिए दोस्तों पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको इस गधेरे में कितना पानी था, यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, पर जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। और ये क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर जो है किसी ने चढ़ावा चढ़ा रखा है। अभी देखिए कि घसारे ने चढ़ा रखा है या फिर ओंटिल काटने वाले ने, घसारे यहाँ से गए होंगे ओंटिल काटने के लिए। और मैं चलता हूँ अब आगे को जहाँ गाँव वाले गए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों मैं जाता हूँ ऊपर, गांव वाले यहीं हैं, यहाँ पर आया करता था, यहाँ से आता था ऐसे, हमने ऐसे नाली बना रखी है, ये वाली नाली यहाँ अंदर जाता था, फिर यहाँ से पाइप लगा रखा था। अब यहाँ पानी भीग गया तो अब दोस्तों ऐसे पाइप को ऊपर लेके जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम आज। यहाँ से आ रहा दोस्तों हमारे वहाँ का पानी, और ये यहाँ से ऐसे टेम्परेरी बना रहे हैं अभी, क्या करें, मूल में जाने जैसा है नहीं, जहाँ से हमारा परमानेंट पानी आता है। ये आए हमारे दादी और ठेकेदार दादी भी हैं यहाँ पर हमारे, फाइनली हमने यहाँ से पानी लगा दिया है, देखते हैं ये पानी कब सूखता है। लेकिन तो ये सूखेगा तो हमारे गांव वालों के लिए कोई चारा नहीं है उसका पानी पीने के लिए। ओके अब हम निकलते हैं, पाओजी लोग दादा लोग निकल गए हैं, ये जा रहे हैं घर को, मैं भी चलता हूँ अब आगे, देखते हैं पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो दोस्तों देखते हैं अब पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, फाइनली दोस्तों पानी फुल आ रहा है, सूखा पड़ा हुआ था, ये बोलते हैं कि खाली एयर निकालने के लिए पानी आ रहा है। तो अब मैं चलता हूँ
आगे को घर की ओर, और यहाँ रास्ते में पूरी घास घास हो रखी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये गाड़ी कल से खड़ी है, पता नहीं इसका क्रॉस रॉस पता नहीं क्या गया, ख़राब हो रखा है। देखो इसका पूरा पार्टी उठा के ले गए लोग अभी वेल्डिंग से निकालने के लिए। हम आए थे जंगल की ओर तो मुझे कीड़ा मिला, ये मेरे को काट रहा था, इसको हमने अपने घेरे में ले लिया। अब दोस्तों कोई जानता है इसको? देखो ये है वो कीड़ा, इसको हमने घेरे में ले लिया अपने। अब दोस्तों जानता कोई इसको, क्या है इसका नाम? इसका नाम कोई बता दें। अब मैं देखता हूँ, पहुँच गया मैं घर, अब देखता हूँ मैं पानी आ रहा नहीं आ रहा। अरे वाह पानी तो आने लग गया। अब मैं इससे अपने मैडम को डराऊंगा। क्या है ये? मैं कौन बोला? ले 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 भाग गया। चलो आजाद कर दो इसको। अब जो है मैडम बनाने लग गई है खाना, और ये रख दिया है चूल्हे में जो है कुकर रख दिया है। क्या रखा कुकर में? भात। और ये क्या कर रही है? ये सिलबट्टे में मसाले पीस रही हूँ। मैंने इसमें मिर्च रखी है और लहसुन रख रखा है। इसमें ये धनिया है, घर का ही धनिया है ये, इतना जैसा हुआ है। और इसमें डालूंगी मैं, और क्या कहते हैं उसे, जीरा। जीरा थोड़ा सा जीरा डालूंगी। इतना महंगा हो रहा है जीरा? थोड़ा सा डालूंगी ना, ज्यादा नहीं डालूंगी। अच्छा हाँ, जीरा जीरा बाजार का होगा और हाँ, ये सब घर का ही होगा ना? ठीक हाँ, है कभी कभी डालती हूँ जीरा, तो मैं इतना ही डाल रही क्योंकि ना बहुत ही महंगा हुआ है हाँ। और टमाटर भी बहुत महंगे हैं। अच्छा चल फिर, चल कर फिर इनकी कुटाई कर दो। हाँ करते हो। मसालों से कौन सा सब्जी बनेगा फिर? अभी अभी झोली बनेगी। झोली बनेगी आज? हाँ चल ठीक है फिर, बढ़िया टेस्टी वाली। ओके आ गए खेतों से। कहाँ गए थे? खेत में गए थे? कहाँ थे तुम? अच्छा जोंटिल फानण। तुम और से पास उतार रहो? आज ही रह रहो? क्या आपको मच्छर लगना? अच्छा लगा। ये देखो दोस्तों अभी जो है धूप लगी है, बढ़िया वाली, बढ़िया वाली या बिल्कुल चटकैल वाली। मम्मी लगाने लगी है अब धान को जो है धूप में सुखाने। बाणा माड़ा मिल सिर्फ नहीं, नहीं बाणा माड़ा की तो पाइप से नहीं उड़ी थी। ये पंडित जी आए हैं हमारे वहाँ और राखी लगा रहे हैं आज। इसका भी लगाता था मैं, इसका नाम क्या है? दृष्टि। दृष्टि। तो दोस्तों अब हम खाने लग गए खाना। आज है खाने में झोली और भात। मेरा नाम है निखिल वाला।
खाना था। खाना वाना खाया ही था तो आराम करें करके, तो देखो कितनी भयंकर हवा चल रही है गाँव में अभी। देखिए दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो धान की बालियाँ जो है कैसे खिला रही हैं, ये देखो क्या रौनक है। देखो दोस्तों धान की बालियां पूरी लहरा रही है, हवा के साथ बारिश भी आने लगी है। देखिए कैसे दिख रहे हैं पौधे, और देखिए हमारा हनुमान जी भी उड़ने लग गया, हनुमान जी उड़ने वाला है। और देखिए दोस्तों बारिश हो रही है, हवा के साथ आ रही है, पर ये बंद हो जाएगी जहाँ तक है लग रहा है। तो दोस्तों बच चुके हैं शाम के 5 और मौसम अब इस टाइप का हो रहा है, सुहाना एकदम मस्त सा। और ना धूप है, धूप चली गई है, बारिश भी बंद हो गई है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। और ये सामने पर बादल बिल्कुल मस्त दिखाई दे रहे हैं अभी, ये देखिए। और यहाँ पर चाचा लोगों ने अभी सुबह मडुआ तोड़े थे, और मडुआ टीप रहे थे डोके में ये, और अभी जो है इन्होंने मडुआ टीप के पूरा खेत ही खाली कर दिया है, सारा नलों भी काट चुके हैं ये। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी भी कटाई चालू है। ये सारा हो रहा है बंदर और लंगूरों के डर से, क्योंकि जो भी कुछ भी हाथ आए वही होता है किसान को लास्ट में। तो ये दोस्तों अभी हाल। मैंने सोचा कान बंद हो गया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दे सकें। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले ब्लॉग में, ओके बाय बाय।